उपचुनाव के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करना पार्टी और प्रत्याशियों को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्ती से एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने बीजेपी कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को नोटिस थमाया है, साथ ही हिदायत भी दी है कि वो हर हाल में आयोग की ओर से जारी कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर निर्देशों का उल्लंघन होता है तो प्रत्याशी को प्रचार के लिए भविष्य में कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल मीडिया में उपचुनाव की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पार्टी और प्रत्याशी खुलेआम कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं और उसकी वजह से प्रदेश भर में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका दिखाई पड़ी, जिसके बाद से चुनाव आयोग हरकत में आ गया। आपको बता दें कि जुब्बल कोटखाई से विधायक रहे नरेंद्र बरागटा भी उसी दौरान कोविड की चपेट में आए थे और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद जुब्बल कोटखाई समेत 3 विधानसभा क्षेत्रों और 1 लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।